हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कायनात काजी। हेलो, और मैं अलका कौशिक। हम दोनों आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसा अनुभव कराने जिसके बारे में आप शायद कल्पना कम ही कर पाएंगे। मैं इस समय बैठी हूं जंस्कर नदी के ऊपर। जी हां, जंस्कर नदी के ऊपर। ये जो नदी है ये जम चुकी है, बिल्कुल फ्रोजन हो चुकी है। और हम दोनों लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अनुभव जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। हम दोनों पिछले एक हफ्ते से लद्दाख में हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कि पहले नहीं किया गया है या बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। आज जो अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगी वो अनुभव ऐसा है जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। हम दोनों इस वक्त बैठे हुए हैं जंस्कर नदी पर। ये लेह शहर से हम करीब 50 किलोमीटर बाहर आ गए हैं, चिलिंग की तरफ जा रहे हैं। और जंस्कर नदी इस तरफ पूरी जम जाती है और लोकल लोग तो इसको अपने ट्रांसपोर्ट के एक साधन के तौर पर, उनके लिए सड़क बन जाती है जमी हुई। और हम जैसे शहरी दीवाने जो यहाँ आते हैं लद्दाख की खाक छानने, वो इस समय आप पिकनिक मनाते हैं। कि जब सर्दियाँ होती हैं तो लद्दाख बिल्कुल बंद हो जाता है और बर्फ़ की चादर तले ढक के सो जाता है। इस समय लद्दाख नहीं जाना है, बहुत मुश्किल है, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्यों अलका जी? बिल्कुल, मैं तो यहाँ लगभग 10 दिन से हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, एक भी दिन मुझे कोई कोफ्त नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत ध्यान से अपना स्टे चुनना होता है। देखो, लद्दाख ना कायनात दो तरह के लोग आते हैं। बिल्कुल, एक तो बजट ट्रैवलर्स की डेस्टिनेशन है और दूसरा थोड़ा सा आपको बजट अगर आप अपना बढ़ाएंगे, लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे, या इसके बीच का भी एक डेस्टिनेशन है। अगर वैसा आप अपना स्टे चुनेंगे तो कोई परेशानी सर्दी में नहीं होगी, खान पान की नहीं होगी, घूमने फिरने की तो कतई नहीं होगी। ये जो अनुभव है ये थोड़ा प्रीमियम है, इसके लिए ना जम के मेहनत कीजिए और फिर चुनिए एक ऐसा स्टे जो कि आपको अनुभव कराए ऐसी चीज़ों का जो कि प्रकृति के नज़ारे हैं, जिसके लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है। अब हमें ये अनुभव कराया द ग्रैंड ड्रैगन ने। मैं ग्रैंड ड्रैगन के साथ दूसरी दफ़े इस बार सर्दियों का लुत्फ ले रही हूँ लद्दाख में। और अगर कोई दोबारा लौटता है, रिपीट ट्रैवलर होता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है इस बात का कि हमारा स्टे, हमारे होस्ट, हमारे मेहमान नवाज कैसे हैं। कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेमोरी में शायद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका है। आप भी अपने ऐसे अनुभव चुनिए और यात्राएं करिए, खुश रहिए। नदी पर पिकनिक का लुत्फ पहली बार जिंदगी में लिया है। हाँ, बहुत ये मेरा भी पहला अनुभव है। मैं लद्दाख के लगभग सभी सीजन देख चुकी हूँ, लेकिन ये वाला अनुभव मैंने इससे पहले नहीं किया था। वाह, और आसमान देखो, और आसमान पर क्या नीला आसमान, तो चुरा के ले जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत की नेमतें हैं यहाँ। तो अगली बार कहाँ आ रहे हैं आप सर्दियों में? लद्दाख, ग्रैंड ड्रैगन के साथ। चलिए।